हेलो गाइस, जिस वीडियो में जानेंगे क्योशेरा M2040GN प्रिंटर में उसकी कार्टेज लगाने और निकालने, कंट्रोल पैनल, स्कैनर के बारे में जानेंगे, तो जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। तो गाइस, ये क्योशेरा M2040DN प्रिंटर है। इसमें इसका कार्टेज का निकालने के लिए ये बटन है, इसको प्रेस करेंगे और इसका डोर ओपन हो जाएगा। ये आपको सामने दिख रही है इसकी टोनर कार्टेज नज़र आ रही है। इसको निकालने के लिए गाइज आपको राइट साइड में एक गोल सा एक बटन दिया है के नीचे ऊपर की तरफ एरो के निशान हैं, तो ये दबाएंगे इसको निकालने के लिए टोनर कार्टेज को निकालने के लिए ये बटन दबाएंगे तो ये निकलने के लिए तैयार हो जाए। ये दबाया तो इसका एरो का जो सिंबल है ये चेंज हो गया है। लगाते टाइम ये दोनों मैच होना चाहिए और निकालने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना है। उसके बाद आराम से इसको ऊपर की तरफ ऐसे कार्टेज को, जो टोनर कार्टेज है इसकी, उसको निकाल लेंगे। और लगाने के लिए गाइस ये एरो आपस में मैच होने चाहिए। ये ऐसे इसको मूवमेंट करवाना है मुँह के बाद में ये लग पाई। तो गाइज ये पूरा इसका कैरिज निकालने के लिए ये लीवर पुश करेंगे, बिल्कुल सीधा सामने की तरफ निकाल लेंगे तो इसका जो कैरिज और टोनर कार्टेज साथ में निकल जाएंगे। और गाइज आप सामने देख पा रहे हो इसकी ये ड्रम यूनिट है, इसको इमेजिंग यूनिट भी बोलते हैं। तो इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा टिल करके सीधा निकाल लेना है। गाइस देख पा रहे हो, गाइस ध्यान रखे, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, पहले ध्यान से देखना है उसके बाद में चीज़ों को निकालें। कोई भी छोटा सा भी पार्ट अगर डैमेज हो गया तो मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और इसी प्रकार से ये से निकालिए, इसी प्रकार से इसको इमेजिंग यूनिट को, जो ड्रम यूनिट भी बोलते हैं, इसको इस प्रकार से लगा देंगे और थोड़ा ऊपर की तरफ टिल कर देंगे। के बाद में गाइस वापस से इसका टोनर कार्टेज लगाने के लिए गाइस जैसे निकाला है उसी प्रकार से ध्यान रहे जो एरो के निशान बने हुए हैं राइट साइड में ये मैच होने चाहिए। तो इस प्रकार से वापस से इसको लगा देंगे और थोड़ी कांटे से उसको थोड़ा पुश करना है, अदरवाइज इसका जो कवर है वो क्लोज होगा नहीं। अगर वो बराबर थोड़ा सा जो टोनर कार्टेज है उसको थोड़ा पुश कर दे नीचे की तरफ तो वो सेट हो जाएगी। उसके बाद इसका जो डोर है वो क्लोज हो जाएगा, नहीं तो वो अगर बराबर सेट नहीं होती है तो वो लगेगा नहीं। और ये इसका कंट्रोल पैनल है गाइज, जैसे कुछ पेपर होते हैं, हल्के पेपर होते हैं में पेपर जाम की समस्या रहती है, तो ये मोड अगर इसको ऑन कर देंगे तो ये बिल्कुल स्लो मोशन में प्रिंट करेगा और जो पेपर जाम की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। देख पा रहे हो ये सारे इसके कंट्रोल पैनल्स के मेन्यू वगैरह है। और इसकी ये एमपी ट्रे हैं जहाँ से आप, और ये इसकी मेन ट्रे हैं जो, और गाइज ये इसका ADF स्कैनर है। इस दोस्तों इसमें एक और खासियत बात है, ये बहुत साइड का स्कैन करता है, ऊपर नीचे की जो फोटो होती है उसको एक साथ स्कैन करेगा। इसकी इस प्रिंटर की ये बहुत बड़ी खासियत है, कभी पेपर पर जाम हो जाए तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हो। वो खोल के इसके जो गेयर वगैरह है, कभी अगर पेपर नहीं ले पा रहा है तो इनको थोड़ा क्लीन कर दे नम कपड़े से। उसके बाद में इसकी जो पेपर जाम वगैरह जो होती है उसकी समस्या हट जाएगी। ये फ्लैट स्कैनर है सॉरी। और इसका ड्राइवर और प्राइस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब।